हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम साक्षी है और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्या है टॉपिक? स्किन केयर फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए हम क्या क्या स्किन केयर स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी ड्राई स्किन भी हाइड्रेटेड लगे, मॉइस्चराइज लगे और ग्लो करे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो क्या आप पानी पीना भूल जाते हो या आप पानी जो है प्रॉपर अमाउंट में पीते हो? तो बहनों, मेरी बहनों, अगर आप पानी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पी रहे हो तो अगर आपकी बॉडी ही अंदर से हाइड्रेटेड नहीं है तो स्किन कहाँ से हाइड्रेटेड रहेगी? स्किन हाइड्रेटेड तभी रहेगी इंटरनली अगर आपका वाटर इंटेक जो है वो प्रॉपर होगा। ठीक है, तो आपको जो है मिनिमम जो है 2.5 लीटर पानी तो आपको पीना ही पीना है। चाहे आपको घर पे कितना काम हो, चाहे आपको ऑफिस में कितना काम हो, कुछ नहीं, अपने पास एक वाटर बॉटल रख लो, कैरी कर लो और यूँ कर लो, 1 लीटर की पानी की बोतल है तो मेरे को 2 लीटर तो किसी भी हाल में ख़त्म करना है, चाहे मैं कितनी बिजी हूँ, पूरे दिन में पीना ही पीना है। पर ड्राई स्किन की बात करते करते क्या आपको कन्फर्म है कि आपकी ड्राई स्किन है? कहीं नॉर्मल स्किन तो नहीं या कहीं कॉम्बिनेशन स्किन तो नहीं? कोई बात नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड योर स्किन टाइप। ठीक है, इससे जो है आपको पता चल जाएगा एक्यूरेटली कि आप कौन से स्किन टाइप पे बिलोंग करते हैं। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? वाटर इनटेक। ठीक है, आपको जो है आपका वाटर इनटेक जो है वो 2.5 से 3 लीटर रखना ही रखना है ताकि आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड रहे और वो बाहर आपकी स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करे। तो हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट, अब हमारी बात भी आती है फेस वॉश की। सुबह में भी कर लिया, शाम में भी कर लिया, रात में भी कर लिया, इतनी बार फेस वॉश कर लिया, दोपहर में भी कर लिया तो इतनी बार फेस वॉश करोगे तो हमारी फेस का, हमारी बॉडी का नेचुरल ऑयल तो निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर तो स्किन और ड्राई होगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फेस जो है सिर्फ 2 टाइम ही मैक्सिमम जो है वॉश करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एक बार सुबह में कर लिया, एक बार रात में कर लिया, बस मोर देन इनफ। एक बार उठ के कर लिया, एक बार सोते टाइम कर लिया। और हमें फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है? वो फेस वॉश यूज़ करना है जो कि सोप फ्री हो, पैराबिन फ्री हो और जो है क्रीमी हो। ठीक है, वो फेस वॉश यूज़ करना है जो कि जेंटल हो। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस मैं दे सकती हूँ, जैसे कि हमारा है सेटाफिल का ड्राई स्किन वाला फेस वॉश, फिर हमारा है मिनिमलिस्ट का फेस वॉश। ठीक है, फिर हमारा है न्यूट्रीजेना का हाइड्रेशन वाला फेस वॉश। ठीक है, हाइड्रेटिंग क्लिंजर। ठीक है, तो ये कुछ फेस वॉश थे जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी ड्राई स्किन के लिए। फिर फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद आपका हमारा क्या आता है? टोनर। टोनर जो है बेसिकली ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? छोटा सा रीज़न है, क्योंकि ड्राई स्किन में हमारे ओपन पोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम ओपन पोर्स होते हैं और टोनर जो है उन ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे ओपन पोर्स ही नहीं है तो टोनर का इतना कोई खास रोल नहीं है। बट फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप एक रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो ताकि हमारे बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएँ। ठीक है, तो टोनर के लिए आपने रोज़ वाटर यूज़ कर लिया। रोज़ वाटर जब आपका हाफ ड्राई हो गया तो आप क्या लोगे? आप जो है आपका फेस सीरम लोगे। तो आप सारी मेरी पूरी वीडियो छोड़ दो, ठीक है, आप मेरी सिर्फ 3 चीज़ें याद रखो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं? ठीक है, सबसे पहले जिस भी प्रोडक्ट के अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर ड्राई स्किन। जिस भी प्रोडक्ट में आपका ग्लिसरीन है, ठीक है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिस भी प्रोडक्ट में आपका सेरामाइड्स प्रेजेंट है, आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लो, जिस भी प्रोडक्ट में सेरामाइड्स है, गुड फॉर ड्राई स्किन। जिस भी प्रोडक्ट में कोई भी फेस ऑयल या कोई भी आर्गन ऑयल या कोई भी शिया बटर जैसी टॉप चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट आप चेक कर लो कि इसमें ये प्रोडक्ट चीज़ें हैं या इनमें से कुछ चीज़ें हैं तो मतलब कि ये ड्राई स्किन के लिए अच्छी हैं। ठीक है, तो हमने जो है आप जो है फेस सीरम यूज़ करोगे तो आप वो फेस सीरम यूज़ करोगे जिसमें हाइलुरोनिक एसिड या और विटामिन ई, ठीक है, और सेरामाइड्स वगैरह प्रेजेंट हो। तो जैसे कि आप जो है लॉरियल का
हाइलुरोनिक एसिड वाला फेस सीरम यूज़ कर सकते हो। फिर द ऑर्डनरी का आता है फेस सीरम, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड वगैरह जो है प्रेजेंट होता है, वो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो। हाइलुरोनिक एसिड कैसे यूज़ करना है, रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया, हमारी स्किन हाफ ड्राई हो गई, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे फिंगर्स पे ले लिया, जेंटली रब किया, और डार्क स्किन पे हमें जो है हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हमारी फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, हमारी जो ड्राइनेस है उसको रिड्यूस करता है, स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आजकल जो है हमारा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाइप हो रहा है उस प्रोडक्ट का, क्या, कॉजरेक्स का स्नेल म्यूसिन, ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी अच्छे से आपको मॉइस्चर बोल रही, सारे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस सीरम की तरीके से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेस सीरम हो गया। नेक्स्ट जो है आप हमारा मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जिसमें वही सेम ये तीन चार प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, हमारा हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, ग्लिसरीन, विटामिन ई और आर्गन ऑयल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, शिया बटर वगैरह यूज़ हो, प्रेजेंट हो, आप वो वाला जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन सेटाफिल का आप यूज़ कर सकते हैं, मिनिमलिस्ट का आप जो है मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूट्रीजेना का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं या लोशन यूज़ कर सकते हैं। आप ये सारे जो है चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ड्राई स्किन एज अ मॉइस्चराइजर, ठीक है। फिर हमारी मॉइस्चराइजर हो गया, लास्ट चीज़ है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे यूवी रेज, यूवी लाइट्स हैं, वो अगर हमारी स्किन पे पड़ेंगी तो वो और डैमेज होगा हमारी स्किन, और डैमेज होगी तो वो और ड्राइंग होगी। तो सनस्क्रीन को तो आपको किसी भी कीमत पे जो है कभी भी नहीं भूलना, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप घर के बाहर हो, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, कभी नहीं भूलना है। सनस्क्रीन आपको हमेशा लगानी है। ज़्यादा है तो आप सर्दियों में थोड़ा कम SPF की सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, 30 वाली यूज़ कर सकते हो, और अगर समर्स है तो आप 50 SPF वाली सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा जो हमारे स्किन केयर के स्टेप्स होते हैं जो कि हमें ड्राई स्किन के लिए करने हैं। फिर कुछ टिप्स हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं। अब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, आप बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, ठीक है। हम नहा के निकले, हमने नहा लिया, उसके बाद हमने अपने बॉडी को पोंछ लिया, ड्राई कर लिया, तो ड्राई स्किन पे ही नहीं लगाना है मॉइस्चराइजर। आपको मॉइस्चराइजर जो है हमेशा डैम्प स्किन पे लगाना है, जब आपकी स्किन जो है हल्की गीली है, बिल्कुल नहा कर आने के बाद जेंटली आपने अपने आपको ड्राई कर लिया, और जब आप पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाना है, ठीक है। इससे जो है हमारा मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है और अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपको आपकी स्किन ज़्यादा एक्सफोलिएट नहीं करनी है, ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है, और अगर आपको स्क्रब करना भी है तो आपको बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएटर यूज़ करना है, बहुत ही जेंटल फेस स्क्रब यूज़ करना है, और वो भी ओनली वंस अ वीक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सफोलिएट करोगे अपनी स्किन को तो वो ज़्यादा डैमेज होगी और हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राइंग होगी। तो वंस अ वीक अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो तो वो मोर देन एनफ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम जो हॉट वाटर शॉवर लेते हैं, जो हम गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत ही लंबी देर देर तक हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो बहनों गर्म पानी से ज़्यादा देर तक नहाने से, हॉट वाटर शॉवर लेने से जो है हमारी स्किन और ड्राइंग होती है, तो हमें ये नहीं करना है। हॉट वाटर शावर्स जो है वो हमें ज़्यादा नहीं लेने हैं। इवन विंटर्स में भी हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप एक जो नॉर्मल गुनगुना टाइप का पानी होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना कर सकते हो, क्योंकि ठंड है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप वैसे पानी से नहा सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा हॉट वाटर बाथ्स नहीं लेनी है, ठीक है। ये आपकी ड्राई स्किन के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो है, हम नाइट में जो है आपको, अगर आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग रह रही है, तो आप कोकोनट ऑयल भी आपके फेस पे अप्लाई कर सकते हो, और कोकोनट ऑयल के साथ भी आप नाइट में अपने फेस को मसाज कर सकते हो, ठीक है। इससे भी जो है आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी और अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी। तो ये सारे कुछ स्टेप्स थे, ये सारी कुछ टिप्स थी जो कि ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आई लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।